और मेरे भाइयों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ SHO को प्रमोशन के बारे में। अगर आप SHO का प्रमोशन जानना चाहते हैं कि कैसे होता है या फिर कौन सा क्राइटेरिया है, कैसे आप बन सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि आखिर SHO का प्रमोशन कैसे होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये एक मतलब विद्यार्थी को जानना होता है जो SHO ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर जो सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन कब तक होगा, ठीक है, कॉन्स्टेबल से। तो यही बताने वाला वीडियो में, तो वीडियो में आए तो बने तो नमस्ते, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है MD सपोर्ट हेल्प। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। प्रमोशन की बात कर लेंगे तो SHO बनने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाता है। शुरुआती में आपको कॉन्स्टेबल के रूप में आपको तैनात किया जाता है, उसके बाद कॉन्स्टेबल के बाद आपको ASI के रूप में तैनात करा जाता है, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। उसके बाद आपको कहीं जाकर SI के पोस्ट दिया जाता है, सीनियर इंस्पेक्टर मतलब कि सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर आपको कर दिया जाता है, ठीक है, SI सब इंस्पेक्टर के रूप में आपको तैनात किया जाता है। उसके बाद आपको कहीं जाकर SHO ऑफिसर बनाया जाता है, जिसे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रक्रिया होता है। तो यहीं तक वीडियो बनाया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही वीडियो में बनाया था जो मैंने SHO का प्रमोशन के बारे में बताया था, तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ तक बनाया